अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मिस इराम अशरफ हियर। आई होप यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस। नाउ आवर टुडेज वर्क इज रिलेटेड विच पेज नंबर 6। आवर टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब्स। ऑन पेज नंबर 6 यूनिट 1.4 स्ट्रक्चर 15। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड फर्दर लर्न अबाउट एडवर्ब्स। नाउ फर्स्ट वी विल कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स। नाउ एडवर्ब्स, जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चलता है कि ये वर्ब्स से रिलेटेड है। अब हम ये समझ लीजिए कि हम जैसे मैथ्स में एडिशन करते हैं तो उसमें करते हैं ADD, एड, एडिशन की शॉर्ट फॉर्म। तो इसी तरह हमने यहाँ पर भी एडिशन की समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म यूज की है एडवर्ब्स, मतलब वर्ब में हमें कुछ प्लस करना है, एड करना है, तो वो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, एडवर्ब्स। नाउ एडवर्ब इज अ वर्ड विच फर्दर डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, वो लफ्ज होता है जो आगे, फर्दर मतलब उस सेंटेंस में आगे डिस्क्राइब करता है, उसको मजीद क्लियर करता है, किसको, वर्ब को। नाउ इसके एग्जाम्पल वर्ड्स मैं आपको पहले बता दूं, स्लोली, जेंटली, क्वाइटली एटसेट्रा। अब एडवर्ब की, आपने ये एडवर्ब्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं तो इसीलिए मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारे पास काइंड ऑफ एडवर्ब्स हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब्स भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम 3 काइंड्स पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल्स, 3 काइंड्स पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कोई भी वर्क या एक्शन होता है वो कैसे होता है। ये प्लेस के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है वो एक्शन कहाँ हुआ, और एडवर्ब ऑफ टाइम वो एक्शन कब हुआ, मतलब हाउ, वेयर एंड व्हेन। हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, और व्हेन मतलब कब। अब आपकी बुक की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं। एक बात आपने नोट की स्टूडेंट्स के, मोस्टली एडवर्ब के वर्ड्स जो हैं वो ly पे एंड होते हैं, जैसे स्लोली, जेंटली, क्वाइटली। अब हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स पढ़ते जाएंगे आपके पास ये कॉन्सेप्ट इसी तरह क्लियर होता जाएगा। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है पेज नंबर 7 पर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम बैक टूवर्ड्स पेज नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 1, ही वॉक्स स्लोली इन द पार्क एवरी डे। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 1, ही वॉक स्लोली इन द पार्क एवरी डे। अब यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉक्स हो गया हमारा वर्ब। अब वो किस तरह चलता है, स्लोली चलता है, इसका मतलब ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इन द पार्क, कहाँ चलता है, पार्क में चलता है। कब चलता है, एवरी डे। ही वॉक स्लोली इन द पार्क एवरी डे। अब ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। मैनर के लिए हम लिख देते एम, एडवर्ब इन द पार्क, एडवर्ब ऑफ प्लेस और यहाँ हो गया एडवर्ब ऑफ टी फॉर टाइम। इसी तरह आप सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे। मैं नंबर 2 भी आपके लिए पढ़ देती हूँ, द टैक्सी ड्राइवर ड्राइव्स क्विकली ऑन द रोड एवरी मॉर्निंग। इसी तरह है, द टैक्सी ड्राइवर ड्राइव्स क्विकली। टैक्सी ड्राइवर जो है वो ड्राइव करता है, कैसे ड्राइव करता है, क्विकली, जल्दी जल्दी। कहाँ ड्राइव करता है, प्लेस आ गया ऑन द रोड, और कब ड्राइव करता है, एवरी मॉर्निंग। इसी तरह आप सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम्पल्स में आपको इसी तरह तीनों टाइप्स नजर आएंगी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ वी स्टडी हार्ड, इसी तरह यहाँ पर है ly, आपने देखा होगा एडवर्ब एंड हुआ, यहाँ पर भी क्विकली में ly आया, यहाँ स्लोली में ly आया, यहाँ स्वीटली में ly आया, लेकिन वी स्टडी हार्ड, अभी हार्ड जो है इसमें ly नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब जो है वो ly पे एंड हो, लेकिन मोस्टली ज्यादातर कॉमनली जो एडवर्ब्स होते हैं वो ly पे एंड होते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पेज नंबर 7। एक्सरसाइज बी में जो है आपको इसी तरह ये पिक्चर देखकर
सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस नंबर वन मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम पिक्चर को गौर से देखेंगे कि ये पिक्चर में नजर आ रहा है रबिश ट्रक, आपने देखी है ना रोड पर कचरा उठाने वाली गाड़ियां, तो ये वही है, रबिश ट्रक है। अब मूव्स, अब ये कैसे मूव करती है, जाहिर है जब ये भरी हुई होती है और वो हैवी होती है तो कैसे मूव, अब आपको आंसर देना हाउ वेयर और व्हेन, मतलब इसको आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस करोगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हुए। तो रबिश, द रबिश ट्रक मूव्स स्लोली, अब आप इस एग्जांपल से हेल्प ले सकते हैं, वेयर ऑन द रोड, व्हेन रबिश ट्रक कब निकलता है, या लेट नाइट होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है, तो आप दोनों में से कुछ भी निकलते हैं। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द रबिश ट्रक मूव्स स्लोली ऑन द रोड अर्ली मॉर्निंग, या एवरी डे भी लिख सकते हैं या लेट नाइट भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपको ही सिंग्स लिखा है, तो ये पूरा पिक्चर को देखकर आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ये सिक्स है, आई डोंट पीछे, तो इसमें कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।